क्या कर रहे हैं, फ्रॉड को अपन दो कैटेगरी के अंदर बांटे हुआ है, एक तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और दूसरा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 3 पॉइंट्स, मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर और फर्दर 3 पॉइंट्स, मैंने जैसे कि उस दिन चार्ट में से भी बताया था। हर एक के अंदर 3 पॉइंट कौन से रहते हैं, इंसेंटिव प्रेशर मतलब बढ़ावा या फिर दबाव डालना सामने वाले को फ्रॉड करने के लिए, मौका अपॉर्चुनिटीज देना सामने वाले को फ्रॉड करने के लिए, और तीसरी बात उसका स्वभाव भी फ्रॉड करने लायक रहना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सकता। ओके, तो बात ऐसी है कि अपन लोग दो हिस्से में बांटे, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अलावा फिर और उनके तीन तीन फर्दर पॉइंट्स है, इंसेंटिव्स प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड्स एंड रेशनलाइजेशन। ठीक है, अपना थोड़ा सा पार्ट ये फ्रॉडुलेंट रिस्क फैक्टर का बाकी था, वो अपन लोग अभी देख लेते हैं, ये वाला छोटा सा पार्ट बाकी था। ओके, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या, वो कौन सी चीजें हैं जो फ्रॉड को आमंत्रण देती है, मतलब जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या कि कुछ गलत होने के लिए रिस्क होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ रिस्क फैक्टर का मतलब क्या रहता है। जैसे है ना, एक जगह जहां पे ना बहुत सारा पेट्रोल पड़े हुआ है, ठीक है, और उसके बाजू में इलेक्ट्रिक के स्विच वगैरह, इसके अंदर क्या रिस्क, क्या रिस्क फैक्टर है क्या आग लगने के लिए। हाँ, तो सपोज वो पेट्रोल गिरे हुआ है या इलेक्ट्रिक के स्विच खुले पड़े हैं या फिर एक लाइव वायर जा रही, तो ये सब क्या हो जाते मालूम है कि ये सब क्या रिस्क फैक्टर है, क्या के लिए, कोई तो भी अनहोनी होने के लिए, आग लगने के लिए। समझ में आ रहा है ना, जैसे अपन बोलते हैं बारिश के अंदर है ना दीवारों के ऊपर से वायर्स नहीं जाना चाहिए लाइव वायर, इसकी वजह से क्या हो जाता पता है, लाइव वायर मतलब करंट वाली वायर, करंट वाली वायर अगर दीवार के ऊपर से जा रही है तो पूरे दीवार के अंदर शॉक आ सकता है गिल्ला होने की वजह से, तो ये रिस्क फैक्टर्स है। पेट्रोल का बॉटल ऐसे खुला पड़े हुआ है, ठीक है, ये क्या अगेन रिस्क फैक्टर है, आग लग सकती है। ओके, तो बात ऐसी है कि रिस्क फैक्टर मतलब इसके वजह से आगे जाके फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में भी डिफाइंड एज द इवेंट्स और द कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट अ फ्रॉड और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड। समझ में आ रहा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स दैट प्रोवाइड एन इंसेंटिव प्रेशर और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर कमिटिंग द फ्रॉड। मतलब क्या हो गया, ये जो चार बातें अपन लोगों ने देखी थी, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड एंड रेशनलाइजेशन, तीन फैक्टर्स जो अपन लोगों ने देखे थे, इनका ब्रॉडली नाम क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। समझ में आ रहा है ना, अपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स देख लिए कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। हाँ, तो बात ऐसी है कि ये जो तीनों नाम है, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड्स एंड रेशनलाइजेशन, इनका ब्रॉड हेडिंग, इनका नाम क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। समझ में आ रहा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑडिट कंसिडरेशन। ऑफकोर्स अपने को दो ही तरीके के फ्रॉड देखना है, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फॉर ईच ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड द रिस्क फैक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कंडीशन जनरली प्रेजेंट व्हेन द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड ऑफर, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड्स एंड रेशनलाइजेशन। मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू आप लोगों को और भी इसके अंदर बातें बताता हूं। हर एक व्यक्ति ने चार्ट निकाल के रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से डेवलप होने के लिए मदद हो जाएगी। देखो, ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव जो है, ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव जो रहता वो दो तरीके के फ्रॉड को कंसिडर करता है। ठीक है, ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव जो रहता है वो दो तरीके के फ्रॉड को आप लोग कंसिडर करते हैं, एक तो MA मतलब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और दूसरा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको आप लोग बोलते प्यार से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव में कौन से दो फ्रॉड आप ले रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। साथ ही साथ जब ऑडिटर पर्सपेक्टिव रहता है विद रिगार्ड्स टू फ्रॉड, तो कौन सा फ्रॉड कंसिडर करता है, वीएस एनीबडी, कौन से फ्रॉड इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके लिए सभी फ्रॉड इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कुछ चुनिंदा फ्रॉड इंपॉर्टेंट रहते हैं, यस कौन इसका जवाब देगा कि ऑडिटर के लिए कौन से मटेरियलिस्टिक फ्रॉड जरूरी है। यस एनीबडी, केशव बोलो सर। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज करने वाला है वही फ्रॉड ऑडिटर के लिए काम के रहते हैं। समझ में आ रहा, तो फ्रॉड के अंदर ऑडिटर्स का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो फ्रॉड मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट करने वाला है वही फ्रॉड, उसके अंदर भी मुझे दो ही तरीके के फ्रॉड देखना है, एक तो MA और दूसरा तो FFR। इसके अंदर फर्दर, इसके अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर FRF आप देखेंगे, और FRF इसके अंदर कौन से तीन FRF देखते हैं आप लोग, कौन से तीन FRF देखते हैं, यस एनीबडी हु कैन टेल मी, कौन से तीन FRF देखते हैं आप लोग, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन से तीन देखते हैं आप लोग, कौन बोलेगा,
हाँ श्रीहरि बोला सर, इंसेंटिव प्रेशर के बाद में प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एंड एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। बराबर, तो अपन लोग हर जगह यही देखते हैं, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन। अब इसके अंदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी तीन एफआरएफ अपन लोग देखते हैं, फ्रॉडुलेंट रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। उसके अंदर भी वही तीन चीजें है, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये चार्ट आप लोग भी बना के रख लो। ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, दो तरीके के फ्रॉड, एमए एफएफआर, एफएफआर के अंदर एफआरएफ, एमए के अंदर एफआरएफ, और तीनों चीजें वो हो सकती है। ठीक है, अभी तक किसके अंदर किसको डाउट है कि ये सब चीजों के अंदर, इतना अपना टॉपिक हो गया, आधा टॉपिक हो गया अपना, आधा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, सॉरी अपना फ्रॉड का रिपोर्टिंग है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिपोर्टिंग का, ये आधा फ्रॉड हो गया अपना। यहाँ तक कि अभी तक किसको कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। ये नोट्स अपनी फर्स्ट वाली होगी, अब सेकंड नोट्स के अंदर अपने को जाने का। इसके अंदर किसको डाउट है क्या, पूछो जल्दी जल्दी, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज। एनीबॉडी, श्रीहरि वगैरह, चलो ठीक है आगे बढ़ते फिर अपन लोग। आज से सेकंड वाली नोट्स अपन लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अब जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपना यहाँ पे रहेगा कि अगर फ्रॉड आपको मिलता है या फिर आपने फ्रॉड ढूंढ लिया तो उसका रिपोर्टिंग किसको करने का है, फिर किस लेवल पे रिपोर्टिंग करने का है, कैसे रिपोर्टिंग करने का है, उस सब बातें अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले अपन फ्रॉड रिपोर्टिंग स्टार्ट करते, बाद में की बातें बाद में, ठीक है। फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो या चार मार्क का इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता ही है। एज पर सबसेक्शन 12 of the section 143 of the Companies Act 2013, if an auditor of the company in course of performance of his duty, in course of performance of his duty, ये line का मतलब क्या है? In course of performance of his duty, इसका line का मतलब ये है कि देखो आपका जो work है as an auditor, आपका जो work है वो devoted किसके लिए है, गलतियां या फिर fraud ढूंढने के लिए नहीं है। आपका work जो devoted है वो financial statement सही है या नहीं है ये बताने के लिए है। हाँ, लेकिन financial statement check करते करते इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब कौन सी ड्यूटीज है मेरी, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये करते करते अगर मुझे कुछ फ्रॉड या फ्रॉड जैसा कुछ दिख जाता है तो मुझे रिपोर्ट करना है। पहली बात, मेरा फ्रॉड ढूंढना काम नहीं है, मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। चेक करते करते कोई बात अगर ध्यान में आती तो उसके बारे में ये बात रहने वाली है। इवन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर हैज अ रीजंस टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, offense of fraud, offense मतलब गलत काम, offense मतलब गुनाह, for offense of an fraud involving such amount or amount as may be prescribed is being or has been in committed in the company by its officer or its employee। देखो important बात ये है, is being or has been मतलब, is being मतलब present tense, fraud अभी चालू है, has been is a past tense, fraud हो चुका है। दो बातें समझिए आपको, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इज बीइंग और हैज बीन, अभी चालू है या फिर हो चुका है इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और इट्स एम्प्लॉय, तो इट शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, फ्रॉड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट, आपको सच अमाउंट क्या है मालूम है, 1 करोड़ और अबव, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड रहा तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाना है, 1 करोड़ के ऊपर। ये समय समय पे अमाउंट बदलते रहता है, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है सेक्शन में कि अमाउंट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब और मे बी प्रिस्क्राइब, अभी के लिए अमाउंट है 1 करोड़, ठीक है, बदल भी सकता। ठीक है, इन दिस रिगार्ड रूल 30 ऑफ द कंपनीज ऑडिट ऑडिटर्स रूल 2014 हैज बीन प्रिस्क्राइब। सब रूल 1 ऑफ द सेड रूल स्टेट दैट इफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी in course of performance of his duties as a statutory auditor, internal auditor के लिए ये बात नहीं है, statutory auditor के लिए rule है, has reasons to believe that an offence, reasons to believe, आपके इसमें कारण रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको लगता, लगने वाली बात नहीं, आपके इसमें proof रहना चाहिए। Of course reasons to believe मतलब क्या, they are talking about भी आपके पास में proof है, ऐसे हमको वो गलत लगता है इसके लिए हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि आपके पास में reasons to believe होना बहुत ही आवश्यक है। Reasons to believe मतलब क्या, आपके इसमें प्रूफ होना कि सामने वाले ने गलत काम किया हुआ है।
1 crore or above is being or has been committed against the company by its officer or its employee, the auditor shall report the matter to the central government. मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेसिकली बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें प्रूफ होना कि कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड किया हुआ है, उसके एम्प्लॉयज या फिर ऑफिसर्स ने फ्रॉड हो चुका है या फिर चालू है, और आपके इसमें प्रूफ रहना चाहिए कि 1 crore के ऊपर का फ्रॉड हुआ है. 1 crore के ऊपर होगा तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत है, 1 crore के नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पूछो इसके लिए. कुछ नहीं समझाऊंगा तो प्लीज लेट मी नो, एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको. सर बोलो. सर रेगुलर ईयर बाय ईयर फ्रॉड है, लेकिन 1 crore से नीचे है तो भी नहीं बताना क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या बोल रहे सर? एवरी ईयर सर फ्रॉड नोटिस में आ रहा, लेकिन 1 crore के नीचे ही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने या नहीं? आप स्टैट्यूटरी ऑडिट 2-4 साल के लिए रहते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर करके अपॉइंट होते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए. जैसे 2020-21 के लिए आप लोग अपॉइंट हुए, ठीक है, 2020-21 के अंदर 1 crore के ऊपर फ्रॉड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाना, 1 crore के नीचे होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 1 crore के ऊपर अगर फ्रॉड होगा आपके पास में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने का है, 1 crore के नीचे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब 1 crore के नीचे फ्रॉड किया तो चलता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. 1 crore के नीचे फ्रॉड रहा तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट में तो बताना चाहिए. देखो ऑडिट रिपोर्ट में तो फ्रॉड अगर आपको मिल गया तो आपको तो बताना ही चाहिए, सिर्फ आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे. ऑडिट रिपोर्ट में भी बताना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स को मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा. समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझे क्या? यस सर. ओके, और कोई क्वेश्चन फ्रॉड से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड? एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, 1 crore के ऊपर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाना, 1 crore के नीचे है तो वो दूसरी चीज है, उसके अंदर बताई हुई 1 crore के नीचे कैसा करने का. 1 crore के ऊपर फ्रॉड होगा तो वो भी प्रूफ आपके पास में होगा तो ही जाने की जरूरत है. अगर प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे आपके पास में फिर रीजन टू बिलीव नहीं है, फिर रिपोर्ट नहीं कर सकते. मैं क्या बता रहा, किसी को भी पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही, कोर्ट में लेके जा रही, प्रूफ के बेसिस पे होगा ना, कैसे उठा के किसको भी लेके जाएंगे क्या? नहीं. आपको समझना चाहिए कि अमाउंट 1 crore या फिर उससे ऊपर होना जरूरी है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाना चाहिए, वो भी फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, हो चुका है या चालू है, होने वाला है फ्रॉड यहाँ पे कवर किया. यस, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है, होने वाला है तो उसके अंदर फ्रॉड का रिपोर्टिंग होगा क्या? लोकेश गांधी, मेरे को लगता है यहाँ पे 1 crore के ऊपर का फ्रॉड होने वाला है फ्यूचर में, तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को. नहीं सर, यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगा. इज बीइंग प्रेजेंट टेंस, हैज बीन पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यहाँ पे कवर नहीं किया गया है. फ्यूचर का किसको भरोसा है? समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने का नहीं है. इज बीइंग और हैज बीन. यस, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से रिपोर्ट करने का है, ये क्वेश्चन पूछते बहुत बार, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड और द ऑडिट कमिटी फर्स्ट. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने से पहले पहले मैनेजमेंट को एक आपको बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे इस जगह अपने को फ्रॉड दिखा है, आपका क्या इसके ऊपर बोलना है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने की जरूरत नहीं. To the board of the audit committee, as the case may be, immediately, but not later than 2 days of his knowledge of the fraud, seeking their replies or observation within 45 days. मतलब क्या हो गया कि जैसे मुझे आज पता चला, ठीक है, मुझे आज 1 June है, ठीक है, 1 June को मुझे पता चला, तो मैंने क्या करने का है? Immediately दो दिन के अंदर, मतलब 3-6 तक के मैंने उनको बता देना चाहिए. समझ में आ रहा है? 3-6 तक के मैंने उन लोगों को बता देना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर ये जगह हमको फ्रॉड मिला है, और उनको 3-6 से आपको फर्दर 45 दिन देने का है उनको रिप्लाई देने के लिए. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसके अंदर आपको और 45 दिन देना जरूरी है, मतलब 28 दिन जून के, ठीक है, 28 दिन जून के, और उसके बाद में फिर और आपको मई के भी इसके अंदर उनको दिन देना पड़ेगा. मई के कितने दिन आएंगे बताओ? तो
17 कितने दिन आ रहे हैं? यस 17 जून तक के आपको उनको समय देना पड़ेगा, 17 सॉरी जुलाई, 17 जुलाई तक के आपको उनको समय देना पड़ेगा रिप्लाई देने के लिए। देखो 1/6 को मेरे को फ्रॉड मालूम पड़ा, मैंने उनको 2 दिन दे दिए बताने के लिए, मतलब मेरे पास में 2 दिन है, ऑल्टर के पास में 2 दिन है मैनेजमेंट को बताने के लिए, 3/6 तक के मैंने उनको बता देना चाहिए, 3/6 ने 2 दिन मैंने उनको दे दिए कंप्लीट 2 दिन, हाँ 2 दिन कंप्लीट दे दिए, 3/6 तक के मैंने उनको बता देना चाहिए। 3/6 को उनको बताने के बाद में, 3/6 को मैनेजमेंट को बताने के बाद में, 3/6 को मैनेजमेंट को बताने के बाद में उनको आपको 45 दिन देने का है रिप्लाई बैक करने के लिए, ठीक है? उनका रिप्लाई कितने दिन में आना चाहिए? 45 दिन के अंदर उनका रिप्लाई आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? तो फिर यहाँ से 17 जुलाई तक के उनके पास में टाइम है रिप्लाई करने के लिए। On receipt of such reply observation, the auditor shall forward his report and reply or observations of the board or the audit committee along with his comments on such reply observation received by the audit committee, received from the audit committee to the central government within 15 days. और मेरे को जैसे उनका मिला 17 जुलाई को, 17 जुलाई को मेरे को उनका रिप्लाई मिल गया, तो आगे के 15 दिन मेरे पास में है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए। समझ में आ रहा क्या? मतलब टोटल 45 दिन का समय उनको दिया, 15 दिन का समय मेरे को दिया भेजने के लिए, टोटल पीरियड कितना मिल गया यहाँ पे 60 दिन का। 45 दिन का समय उनको दिया रिप्लाई करने के लिए, उनका रिप्लाई करने के बाद में, उनका रिप्लाई मिलने के बाद में 15 दिन मेरे को दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा क्या कि 45 दिन किसको दिया? मैनेजमेंट को। फिर उनका रिप्लाई आने के बाद में 15 दिन किसको दिया? ऑडिटर को, कि उनका रिप्लाई साथ में तुम्हारा रिप्लाई, ये सब चीजें एनवेलप में डालने का और ये कहां भेजने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन केस द ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई, 45 दिन हो गए उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताते कि नहीं अपन भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को डबल सी चिट्ठी कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़। ही शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द नोट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट That were forwarded to the board or audit committee for which he has not received the reply or observation. आपने जो इनको भेजा था ना वो लेटर और साथ में आपका लेटर आप लोगों को भेजने का है। मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट को 45 दिन का समय दिया रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाई नहीं करते तो भी अपने को लेटर तो भेजने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रिप्लाई करते हैं तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर तो भेजना ही है 15 दिन के अंदर। उनको कितना समय दिया हुआ है? 45 दिन का। The report shall be sent to the secretary, address दिया हुआ है, Ministry of Corporate Affairs in a sealed cover, RPAD, मतलब Register Post Acknowledgement Due, or by speed post followed by an email in confirmation of this. Letter तो speed post से भेजना ही है, साथ ही साथ email भी करना है। Report shall be on letterhead of auditor, containing postal address, email address, telephone number, mobile number, and signed by the auditor. Of course, आपका report को sign रहना ही चाहिए, membership number के साथ आपके letterhead के। Report shall be in the form of statement as specified in ADT 4. ADT 4 के अंदर report रहना चाहिए, ADT 4, ठीक है? चल, अभी इसके अंदर कोई doubt है आपको? एक एक paragraph देख रहे अपन लोग, 45 दिन का समय उनको दिया, 15 दिन का समय आपको दिया, आपने उनका letter आया तो भी central government को letter भेजने का है, उनका letter नहीं आया तो भी central government को letter भेजने का ही है। उनका लेटर आया तो उनका जो लेटर आया आपका जो लेटर है ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो, उनका लेटर नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ कि इन्होंने हमको रिप्लाई नहीं किया। समझ में आ रहा क्या? इन शॉर्ट आपको 60 दिन का समय है ये सब चीजें करने के लिए, ठीक है? हाँ, इसके अंदर कोई डाउट है कि किसको भी पूछो तो जल्दी जल्दी पूछो। दर्शन पाड़िया सर। हाँ बोलो हिमांशु सर। जो हम कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर कंपनी ने जो हमको रिप्लाई दिया वो रिप्लाई भी हम साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे? ऑफ कोर्स वो तो भेजना ही पड़ेगा ना। द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोर्ड और ऑडिट कमिटी अलोंग विद हिज कमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका देखो अपन ने उनको लेटर भेजा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो रिप्लाई किया होगा ना, उसके ऊपर 100% सामने वाले व्यक्ति रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, है ना? तो उनका रिप्लाई मेरा लेटर ये दोनों चीजें भेजने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो सर अपन ने क्या भेजना? आपने आपका रिपोर्ट भेजना,
साथ ही साथ आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताने का कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और वो लेटर भी भेज देना जो आपने मैनेजमेंट को भेजा था जिसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। इन शॉर्ट आपको क्या भेजने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपका रिपोर्ट कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। और तब क्या होगा कि ऑडिटर का जो रिपोर्ट रहता ना कि हमको यहाँ पे फ्रॉड लगता है, ऐसा ऐसा है, ये आपको भेजने का है। प्लस आपको क्या भेजने का है, मैनेजमेंट का जो रिप्लाई मिलने वाला है, मैनेजमेंट का रिप्लाई मिलने वाला है वो भेजने का है। समझ में आ रहा क्या? अगर वो भेजते होंगे रिप्लाई तो, अगर रिप्लाई नहीं भेजते होंगे तो उनको भेजे हुआ लेटर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। साथ ही साथ ये भी बताओ कि सामने वाले ने रिप्लाई नहीं दिया, तो ऑडिट का रिपोर्ट प्लस रिप्लाई बाय मैनेजमेंट, ये भेजना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट रिप्लाई नहीं करता तो उनको जो लेटर आपने भेजा था वो आपको भेजना पड़ेगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहां? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है। हाँ, और यस सर, हाँ सर, अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा कि नहीं? नहीं भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा दर्शन, इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और अबव। तो सर फिर 1 करोड़ के नीचे वाला जो फ्रॉड है उसका करना क्या? अरे ऑडिट रिपोर्ट में तो कम्युनिकेट होने वाला है शेयर होल्डर्स को। अब 1 करोड़ के नीचे जो फ्रॉड रहता है उसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके नहीं जाते, अपन मैनेजमेंट को भेज देते कि तुम्हारे यहाँ पे ये फ्रॉड बनवा है। ऑफ कोर्स ऑडिट रिपोर्ट में तो रहेंगे। ये क्यों लगता, ये आपको क्यों लगता कि ऐसा 1 करोड़ के ऊपर का सेंट्रल गवर्नमेंट को रखने का और 1 करोड़ के नीचे का नहीं लगना, नहीं देने का उनको? ये सैनी बड़ी क्यों लगता है आपको? ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होंगे, हर एक पे ध्यान देना होगा। अरे बाबा, भारत में लाखों कंपनीज है, ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेते बैठी अलग मिनिस्ट्रीज बनाना पड़ती। समझ में आया? भारत देश है, लाखों कंपनीज है और हजारों फ्रॉड होते होंगे और होते है, चालू है। समझ में आ रहा है ना? 1 करोड़ के ऊपर कैसा मटेरियलिटी भी तो है ना, महंगाई तो देखो आप लोग, 1 करोड़ आज के समय में कोई बड़ी अमाउंट नहीं रही भी है। तो लुकिंग टू दी मटेरियलिटी, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें ठहरा के 1 करोड़ अमाउंट हुआ है। और आपको बता दो क्या, जल्दी ची लिमिट 5 करोड़ की होने वाली है। समझ में आ रहा है कि 1 करोड़ में चुमको इतनी चिट्ठियां मिल रही कि अब उनको लग रहा कि अब ये लिमिट जल्दी से जल्दी 5 करोड़ की होने वाली आने वाले समय में। समझ में आ रहा क्या? तो ये लिमिट 5 करोड़ की भी हो जाएंगी, 1 करोड़ भी छोटा अमाउंट हो गया हुआ है आज की तारीख। समझ में आ रहा है? हजारों लाखों करोड़ के टर्नओवर है यार कंपनी के, 1 करोड़ का अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट ही नहीं रही थी है। ठीक है, और पूछो सर। सर लेस देन 1 करोड़ अपना कहते हैं फ्रॉड और मैनेजमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर वो कैसा होगा? तो ऑडिट रिपोर्ट में तो आप डिस्क्लोज करेंगे ना सब। ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को पब्लिश करना ही पड़ता, मतलब शेयर होल्डर को देना ही पड़ता वो। देखो ऑडिट रिपोर्ट भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप कोई भी साल का ऑडिट रिपोर्ट कोई भी लिस्टेड कंपनी का देख सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कमेंट्स की वजह से शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड बोल दिया कि फ्रॉड निकला यहाँ पे, आप देखना दूसरे दिन शेयर के भाव एकदम आसमान से जमीन पे आने वाले, 100 रुपए का शेयर 2 रुपए हो जाएगा। फ्रॉड हो गया, ऑडिटर ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है ऑडिट रिपोर्ट में भी। ठीक है, यस सर, ओके। और किसको कुछ पूछना है? और ये 1 करोड़ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का है कि 2 फाइनेंशियल ईयर में? नहीं नहीं नहीं, केशव राठी, देखो केशव राठी कैसा रहता, आप ऑडिटर एक ही साल के लिए अपॉइंट होते हैं। जैसे आप ऑडिटर अपॉइंट होंगे 2020-21 के लिए, तो आपको जो भी लेना देना है ना किशोर राठी, आप पे सिर्फ आपको 20-21 से ही लेना देना है। समझ में आ रहा क्या? या फिर पुराना फ्रॉड अभी आप कोई ढूंढ के निकाल रहे होंगे, तो देखो फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड। हैज बीन कमिटेड मतलब कोई पुराने साल का फ्रॉड अगर अभी आपके जानकारी में आता है तो ये बात चालू है। भले वो आपके फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके फाइनेंशियल ईयर में उसके जानकारी में आता है और इसके पहले किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा क्या? एक तो 2021 में चालू जो फ्रॉड है वो, या फिर केशव राठी इसके पहले जो फ्रॉड हुआ हुआ है किसी ने आज तक की उसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ है और आपने पहले बार उसको ढूंढ के निकाला है, उसके लिए ये सिनेरियो है, होने वाला है, उसके लिए ये चीज नहीं है। और ऑफकोर्स 1 करोड़ आपने पिछले साल का फ्रॉड ढूंढ के निकाला, 52,000 रुपए का फ्रॉड निकला बोले, तो क्या रिपोर्ट करते क्या? यस एनी बड़ी, पिछले साल का एक फ्रॉड निकला केशव राठी ऑडिटर का, 19-20 का फ्रॉड मिला उसको 52,000 का, क्या केशव राठी ने यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए क्या? ऑफकोर्स नॉट, 52,000 तो कोई मटेरियल अमाउंट ही नहीं। ठीक है केशव,
हैज बीन वाला फ्रॉड है उसको करंट लिमिट 1 करोड़ की अप्लाई होंगी या उस टाइम पे सपोज 50 लाख की लिमिट थी तो वो अप्लाई होंगी? नहीं 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 सुनो सुनो देखो, अभी है ना जब से कंपनीज एक्ट नया वाला आया हुआ है ना 2013 का, ठीक है क्या, जब से 1 ही करोड़ की लिमिट है। ओके सर, ठीक है, एक अभी जब से नया वाला कंपनीज एक्ट लागू हुआ है 1 ही करोड़ की लिमिट अभी नया वो। अच्छा तो सर आप बोल रहे फ्यूचर में 5 करोड़ जाएंगे, तब अगर आज के डेट का 1.5 करोड़ का निकला फिर? बेटा सुनो सुनो, कभी भी नया लॉ आता ना, नया लॉ आएगा तो उसके अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया रहेगा, वो सब वहां पे बताएंगे कि अभी हमने भले लिमिट 5 करोड़ की कर दी, पिछले साल का 1 करोड़ का लागू था कि 5 करोड़ का था, वहां पे वो ट्रांजिशनल प्रोविजन एक लॉ से दूसरे जब रूल्स कानून चेंज होते ना वहां पे ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया रहता है, वो जो लॉ में जैसा दिया रहेगा किशोर राठी तब वैसा करना पड़ेगा। अभी तो 1 करोड़ आपके लिए अमाउंट है, 1 करोड़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने, ठीक है, भले ही वो आज का 1 करोड़ हो या फिर पिछले साल का आपने ढूंढ के निकाला वो 1 करोड़ हो, कोई भी 1 करोड़ का फ्रॉड आपको ढूंढने में आता है और जो इसका पहले किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है तो ही आपको रिपोर्ट करना है। एक केस डालता मैं, एक केस क्वेश्चन पूछता मैं आप लोग की स्टडी। पिछले साल एक फ्रॉड हुआ था 19-20 में, ठीक है, वो फ्रॉड था ना वो 1.25 करोड़ का फ्रॉड था, 1.25 करोड़ का फ्रॉड था, पिछले बार ऑडिटर दूसरा था, उसने वो ढूंढा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी कर दिया, ठीक है, तो क्या अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसके लिए और डबल से? नहीं सर, ऑफ कोर्स करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, उसने कर लिया उसका काम, उसने ढूंढा था वो, उसने रिपोर्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने नहीं ढूंढा नहीं रिपोर्ट। डिस्क्लोजर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट। अब देखो फ्रॉड कैसा है कि पहले मैंने क्या बोला आपको, मैनेजमेंट को बताने का है, मैनेजमेंट को 45 दिन का समय देने का है, तो मैनेजमेंट को जब आप बताने वाले हैं तो एक मालूम है मैनेजमेंट का भी रिपोर्ट जोड़ा जाता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, जहां पे लिखा जाता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसके अंदर मैनेजमेंट को भी बताना है कि हमको ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढ के दिया है। सब सेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट फर्दरमोर प्रिस्क्राइब दैट द कंपनीज हुज ऑडिटर हैज रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर सेक्शन 12 to the audit committee but not reported to the central government shall disclose the detail about such fraud in the board report in such manner as may be prescribed। देखो बात कैसी है कि central government को बताने के पहले आप लोगों ने management को चिट्ठी भेजी थी, है ना, management को आप लोगों ने चिट्ठी भेजी थी, अब इसके अंदर उन्होंने क्या सब क्लॉज डाले हुआ है, but not reported to the central government, मतलब 1 करोड़ के नीचे वाला फ्रॉड है, अमाउंट क्या रहने वाला है यहाँ पे, less than 1 crore, less than 1 crore वाली फ्रॉड है ना। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा less than 1 crore, ये सिली बड़ी, कौन बोलेगा यहाँ पे 1 crore के ऊपर वाले क्यों नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, क्योंकि 1 crore के ऊपर वाले जो फ्रॉड है वो डायरेक्टली सीजी के पास में चलेगा, ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर नहीं डाल सकते क्या, सॉरी मैनेजमेंट ने नहीं डालना चाहिए उनके रिपोर्ट में, मैनेजमेंट डाल सकते उनकी इच्छा होगी, लेकिन 1 करोड़ के नीचे के फ्रॉड है तुमको डालना ही है मैनेजमेंट के रिपोर्ट में, 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्रॉड है तुमकी इच्छा है। क्या बोला मैंने कि जो फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने वाले है क्या? ऑफ कोर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने वाले नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को अपने रिपोर्ट में वो बताना है। इन दिस रिगार्ड सब रूल 4 ऑफ द रूल 13 ऑफ द कंपनीज रूल्स कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 स्टेट्स दैट Though it is also required to disclose in the board report the following details of each of the fraud reported to the audit committee or the board under sub rule during the year. क्या बोल रहे हैं कि audit is also required to disclose in the board report the following details of each of the fraud reported to the audit committee. जब आप audit committee को letter देते हैं, यहाँ पे fraud हुआ है तो आपको ये सब बातें बताना पड़ेंगी कि कहाँ पे फ्रॉड दिखा, जैसे कैश में दिखता है नेचर ऑफ फ्रॉड, तो कैश के अंदर फ्रॉड दिखा बोले कितने अमाउंट का इन्वॉल्व रहने वाला है वो हो गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, फिर आपके हिसाब से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और क्या एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए, तो ये ऑडिटर जब लेटर भेजेंगे मैनेजमेंट को उसमें भी रहेगा और मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट में भी ये सब बातें इंक्लूड करने वाली है। मैनेजमेंट का एक कौन सा रिपोर्ट है बेटा, ये बोर्ड रिपोर्ट बोला जाता है, जिसके अंदर उनको बताना पड़ेगा कि हमको हमारे ऑडिटर ने फ्रॉड बताया हुआ है 1 करोड़ के नीचे वाला, उसके अंदर कहाँ पे फ्रॉड निकला, कितने अमाउंट का फ्रॉड निकला, वो कौन लोग है जो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है और क्या इसके ऊपर स्टेप्स है फ्रॉड को रोकने के लिए।
ठीक है यस सर। हाँ सर बोर्ड रिपोर्ट ये बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे ड्राफ्ट करते ना। ऑफ कोर्स हाँ सर, उसमें वो तो फिर ऐसा बारीक बारीक अक्षर में लिखेंगे जो पढ़ नहीं सकते आगे वाले, ऐसा हो सकता क्या कि अरे ऐसा कौन से जमाने में जी रहे आप, ऐसा थोड़ी होता। बारीक अक्षर में लिखेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये सब टीवीओ के ऊपर बोर्ड रिपोर्ट आते। बोर्ड रिपोर्ट मतलब क्या? देखो आपको मालूम है क्या, एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रहता जो की हर साल पब्लिश किया जाता। एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या रहता मालूम है क्या? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी के डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, और सबसे ऊपर क्या रहता मालूम है क्या? मैनेजमेंट का रिपोर्ट ये साल का। ये सब चीजें मिला के कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनता है। एनुअल रिपोर्ट समझते क्या आप लोगों को? एनुअल रिपोर्ट जाओ कोई भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या मिलता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते, ऑडिटर का रिपोर्ट मिलता, मैनेजमेंट का रिपोर्ट मिलता, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मिलते। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जब मैं बोल रहा कि ऑडिटर्स आल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट, तो ये जो मैनेजमेंट का रिपोर्ट है इसके अंदर ये सब बातें आएंगी। ऑडिटर जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजा विद रिगार्ड्स टू फ्रॉड, उसमें भी ये सब बातें आने वाली है। पहली बात, कौन किसको रिपोर्ट करता? ऑडिटर रिपोर्ट करता मैनेजमेंट को। कौन सा फ्रॉड बोल रहे हो वहां पे? वो अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 1 CR। सर 1 crore के ऊपर फ्रॉड रहा तो 1 crore के ऊपर फ्रॉड रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चीज चले जाती। फिर बोले मैनेजमेंट ने बताना कि उसमें उनकी इच्छा है, बताए तो चलता, नहीं बताया तो नहीं, उसके अंदर गैर कानूनी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन 1 crore के नीचे है तो मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट में बताना ही है। मैनेजमेंट को क्या बताना है? कौन सा फ्रॉड है, किसने किया, कितना अमाउंट है, एक्शन क्या लिया उन्होंने इसको सुधारने के लिए। समझ में आ रहा क्या? जब ऑडिटर भी रिपोर्ट करेगा ना मैनेजमेंट को, सिर्फ ऐसा लिख देगा क्या, हमको तुम्हारे यहाँ पे 1 crore के ऊपर का फ्रॉड दिखता है? हट, ऐसा नहीं रहता। कौन सा फ्रॉड है, कहाँ फ्रॉड है, किसने किया, क्यों किया, क्या एक्शन है, ये सब बातें आप लोगों को उनको बताना पड़ेंगी। सिर्फ बोलने से ऐसा हो जाता है कि आपके यहाँ पे 1 crore के ऊपर का फ्रॉड है? नहीं, आपको पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो देखो ऑडिटर तो क्या है, 1 crore का फ्रॉड निकला तो भी उसको बताने का है, 1 crore के नीचे का फ्रॉड निकला तो भी उसको बताने का है। उसको ऑडिटर को बेचारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी फ्रॉड हुआ तो मैनेजमेंट को तो बताना ही है। सबसेक्शन 13 ऑफ द सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेफगार्ड्स द एक्ट ऑफ द फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय एन ऑडिटर इफ इट इज डन इन गुड फेथ। इट स्टेट्स दैट नो ड्यूटी व्हिच एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू शैल बी रिगार्डेड एज हैव बीन कंट्रावेंड बाय रीजन ऑफ हिज रिपोर्टिंग द मैटर अबाउट इफ इट इज डन इन गुड फेथ। आपको मालूम है एक बात बहुत अच्छी है, आपको मालूम है सभी CA आर बाउंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर प्रोफेशनल इथिक्स है, ओके। वो क्या बोलते हैं? आपने अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन तो अपने को शेयर करना पड़ेगी, तो ये अगर आप गुड फेथ में कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज का, तो इसके अंदर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जब आप उसका ऑडिट बना रहे तो आपको सब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने किसी को भी शेयर करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएंगे, उसके अंदर सजा हो सकती CA एक्ट द्वारा। लेकिन यहाँ पे फ्रॉड का रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, भले सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे, दूसरे बाहर के लोगों को कर रहे, तो इसके अंदर क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप ये गुड फेथ में कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस पोजीशन शैल अप्लाई ड्यू टू इट्स म्यूटेंडिस, मतलब एज इट इज टू द कॉस्ट ऑडिटर सेक्रेटरियल ऑडिटर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। जो CA को है वो CS और CMA को भी लागू है। If any auditor, cost auditor, company secretary practice does not comply with the provisions of subsection 12 of the section 143, he shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, which may extend up to 25 lakh rupees. आप fraud report नहीं करते हैं तो 1 lakh से लेकर 25 lakh रुपए तक की का जुर्माना penalty आपको भरना पड़ सकती है। कितना important है, अगर आप fraud report नहीं किए तो 1 lakh से लेकर 25 lakh तक की सजा आपको हो सकती है। पैसा ऑडिटर को भरना पड़ेगा, खाया पिया कुछ नहीं, 25 लाख रुपए आपको पेनल्टी आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सर, हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना